Hello students, so today we will discuss about plant kingdom, and especially today we will discuss about algae. And I have already mentioned every important part that usually asked in the board exam as well as a NEET exam. बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से नीट में भी कई बार आ चुके हैं और हम लोगों को ये चीज आज डिस्कस करनी है और समझनी है कि क्या ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गी में, कौन कौन सा पार्ट है जो बोर्ड एग्जाम में आता है. तो यहां हम देखेंगे एल्गी जो है ये टर्म लीनियस ने दिया था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है. एंड स्टडी ऑफ एल्गी को फाइकोलॉजी कहते हैं. एल्गी को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी एंड रोडोफाइसी. और ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट एज वेल एज देयर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल के बेस पे है, जिसको मैंने यहाँ इस वीडियो में मेंशन भी किया है. क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं कॉमनली, एंड इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होता है. और इस ग्रुप ऑफ एल्गी का जो स्टोर्ड फूड है वो है स्टार्च, जबकि इसके सेल वॉल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विच इज सेल्यूलोज, जो एक पॉलीसेक्राइड है. हम लोग ये पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल टॉपिक में सेल्यूलोज के बारे में. एंड नेक्स्ट वन इज फेयोफाइसी, जिसको हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं, और इसमें जो क्लोरोफिल है उसमें ए एंड सी है, जबकि इसका जो स्टोर्ड फूड है वो है मैनिटॉल एंड एल्जीन, है ना, मैनिटॉल और एल्जीन. और इन सब के बारे में मैंने अभी नेक्स्ट यहां हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बारे में मैंने बता रखा है कि ये किस तरह का केमिकल कंपाउंड है, ये किस तरह का बायोमोलिक्यूल है. उसके बाद फेयोफाइसी का जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, उसमें ये भी है कि जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोफाइसी में हम लोगों ने ये देखा कि देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यहां हम देखेंगे कि सेल्यूलोज के साथ साथ एल्जीन भी एक केमिकल कंपाउंड है जो इसमें प्रेजेंट होता है इन एडिशन विद द सेल्यूलोज मॉलिक्यूल. नेक्स्ट है हमारा रोडोफाइसी, जिसको हम लोग रेड एल्गी कहते हैं, और इसमें जो क्लोरोफिल है वो है ए एंड डी, जबकि इसका जो स्टोर्ड फूड है वो है फ्लोरिडीन स्टार्च. एंड इसके सेल वॉल का जो कंपोनेंट है, इसमें सेल्यूलोज की जो अमाउंट है, सेल्यूलोज का जो मात्रा है बहुत कम है, और उसकी जगह इसमें पेक्टिन और पॉलीसल्फेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट. यहां पे फिर मैंने मेंशन किया है एल्जीन के बारे में कि ये एक केमिकल कंपाउंड है जो हमारे फेयोफाइसी के सेल वॉल में प्रेजेंट है, और ये एक यूज भी किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग कैंडी, टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक क्रीम, मतलब ये इन सब चीजों को बनाने के काम में भी लाया जाता है. जो मैनिटॉल है ये यूज होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के फॉर्म में, जो एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है. पॉलीहाइड्रिक का मतलब हो गया इसमें एल्कोहल का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है एल्कोहलिक, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. फिर नेक्स्ट वन इज लैमिनरीन, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी आइसक्रीम बनाने के काम में आता है, जो एक कोलोइडल कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही बेहतर एग्जांपल है जो हम प्लांट किंगडम से ही ऑब्टेन करते हैं. उसके बाद बात आती है कि व्हाट आर द एसोसिएशन ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ एल्गी. कुछ ऐसे भी एसोसिएशन है जो आप क्लास 12th में भी डिस्कस करेंगे, और उन एसोसिएशन में कुछ एग्जाम्पल्स है हमारा इंडोफाइट, एपिजोइक और इंडोजोइक. इंडोफाइट का मतलब हो गया ये दो डिफरेंट प्लांट का एसोसिएशन है, जिसमें एग्जाम्पल है हमारा क्लोरोकाइट्रियम, और इसके साथ जो होता है ये यहां मैंने मेंशन कर रखा है सेरेटोफाइलम और लेमना का. ये प्लांट्स का एसोसिएशन है जो क्लोरोफाइसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो एसोसिएटेड फॉर्म में सर्वाइव करते हैं. दूसरा है हमारा एपिजोइक, जो हमारा प्लांट्स और एनिमल के बीच का एसोसिएशन है, ट्राइकोफाइलस एंड स्लॉथ के बीच का एसोसिएशन. फिर हमारा इंडोजोइक, जो डुओक्लोरा और स्पॉन्ज के बीच भी देखने को मिला है. उसके बाद सीफेलियोरस और प्लांट्स के बीच में भी देखने को मिला है. तो दे आर द यू नो एसोसिएशन ऑफ क्लोरोफाइसी, जिसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं. उसके बाद हमारा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं प्लांट्स से रिलेटेड. जो वर्ल्ड का जो बिगेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में है, और इस बॉटनिकल गार्डन का जो नाम है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन. फिर उसके बाद जो दूसरा है हमारा एशिया लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, विच इज इन कोलकाता, ये याद रखना है हमारे कंट्री में ये एशिया का सबसे बड़ा यू नो बॉटनिकल गार्डन अवेलेबल है. उसके बाद जो लोग या जो साइंटिस्ट इस रॉयल बॉटनिकल गार्डन में रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्यूरेटर के नाम से जानते हैं. जो यहाँ पे वर्क करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्यूरेटर कहते हैं, CURATOR. ये स्पेसिफिक वर्ड है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मतलब को दिया जाता है ये नाम, या ये एक पद आप कह सकते हैं, एक पोजिशन कह सकते हैं, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन इंग्लैंड में वर्क करते हैं, काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ क्यूरेटर, राइट.
अब अगर आपको ध्यान में हो, हम लोगों ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर के बारे में पढ़ा था. बेंथम वही है, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, ये बोथ ऑफ देम वर द क्यूरेटर. ये वही वर्क कर रहे थे बॉटनिकल गार्डन में इंग्लैंड के, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें स्पर्मेटोफाइटा के 202 फैमिली को अलग अलग ढंग से ग्रुपिंग की थी इन्होंने, अलग अलग डिवीजन में उन्होंने क्लासिफाई किया, जिसमें डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया. इन डाइकॉट प्लांट्स में ही हैड एक्सप्लेन 165 फैमिली ऑफ द प्लांट किंगडम और द प्लांट वी कैन से मोस्ट कन्वीनियंटली. और उसके बाद जिम्नोस्पर्म में 3 फैमिलीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया, जबकि मोनोकॉट के 34 फैमिलीज को उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत रखा और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया. फिर बात आती है डाइकॉट की, तो डाइकॉट में इन्होंने 3 अलग अलग सब डिवीजन मेंशन किए, जिसमें पॉलीपेटली, जिसे बहुत सारे पेटल्स होंगे जिन प्लांट्स से, उनको उन्होंने अलग एक ग्रुप में रखा. गैमोपेटली, जिनका पेटल्स जो होगा वो फ्यूज होगा, जुड़ा हुआ होगा, उसको हम लोग गैमोपेटली कहते हैं. पॉलीपेटली का मतलब हो गया फ्री पेटल्स. उसके बाद है मोनोक्लेमाइडी, मतलब उन्होंने इन 3 सब डिवीजन में डाइकॉट को एक्सप्लेन किया कि डाइकॉट में हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल्स, मे बी फ्री, मे बी फ्यूज्ड एंड मे बी अ सिंगल, दैट इज कॉल्ड मोनोक्लेमाइडी के फॉर्म में उन्होंने एक्सप्लेन किया. तो ये था हमारा प्लांट किंगडम के बारे में. तो नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको कहा था कि कुछ ट्रिक्स भी हम आपको फर्दर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. तो ये था हमारा प्लांट किंगडम के बारे में, एल्गी के बारे में. एक और चीज मैं बता दूं जाते जाते कि इसको याद करने के लिए आप ये देखिए, क्लोरोफाइसी, फेयोफाइसी, रोडोफाइसी में ए तीनों में है ना, क्लोरोफिल ए तीनों में है और ए के बाद बी आता है, तो उसके बाद आप बी सी डी लिख लीजिएगा तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी है, फेयोफाइसी में ए सी है और रोडोफाइसी में ए एंड डी क्लोरोफिल प्रेजेंट है. तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने एक्सप्लेन किया. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस बिल्कुल पसंद आ रही होंगी और हम ये होप करेंगे कि आप इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों के बीच, ताकि उनको फ्री एजुकेशन में उनको फायदा मिले. ऊपर में आप अगर यहां देखेंगे आई एक बटन मिलेगा जो एक लिंक है, जहां से आप फर्दर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियोस को भी आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं. थैंक यू.